श्री शिवाय नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सावन माह शुरू होने वाला है और ऐसे में पार्थिव शिवलिंग जो कि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जिसका पूजन शास्त्रों में बतलाया गया है, और श्रावण में तो पार्थिव पूजन का महत्व हजार गुना बढ़ जाता है। तो भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी क्या नियम होते हैं, कैसे करना है पार्थिव पूजन और किन बातों का हमें विशेष रूप से पूजन में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शिवलिंग निर्माण किस विधि से होना चाहिए, विसर्जन कब होना चाहिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो नियम टूट जाता है तब हम क्या करें। सारी जानकारी पार्थिव शिवलिंग से संबंध में जो भी होगी मैं आप लोग के साथ में पूरी डिटेल शेयर करूंगी, तो वीडियो को कृपया कर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई भी जानकारी स्किप कर देने से मिस ना हो जाए। तो ध्यान से सुने और पार्थिव शिवलिंग का नियम इस सावन में जरूर लीजिएगा, मेरी बात मानकर। मेरी नहीं मानते तो महादेव के आप भक्त हैं, नियम जरूर लीजिएगा, आपके बड़े से बड़े कष्टों का निवारण या कोई ऐसी मनोकामना जो अभी तक पूर्ण नहीं हो रही, पार्थिव शिवलिंग के पूजन से बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं भगवान को प्रसन्न पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किया था विवाह के लिए। तो जब माँ पार्वती इतनी अथाह तपस्या के बाद महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, तो हम तो उनके प्रिय भक्त हैं, हम भी क्यों ना सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो विशेष सबसे ज्यादा जो शिव महापुराण में बतलाई गई है विधि, वो पार्थिव शिवलिंग की ही बतलाई गई है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमें किन कार्यों को कैसे करना है, क्या नियम होनी चाहिए। सर्वप्रथम जो पार्थिव शिवलिंग का नियम है वो कैसे लिया जाता है वो जान लीजिए। सावन का जो पहला दिन पड़ेगा, आप सभी जानते हैं 22 तारीख से, जो यानी कि 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। तो आप नियम पूर्णिमा के दिन भी ले सकते हैं, यानी कि 21 तारीख संडे को, और बहुत ही विधि विधान से आप नियम वगैरह लीजिए। बहुत साधारण से नियम होते हैं, कोई ऐसी इसमें विशेष कार्य नहीं करना है आपको। हाथ में जल पुष्प लेकर आप नियम धारण कर सकते हैं कि मैं इस विधि से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करूंगी। समय आप अपना डिसाइड कर सकते हो, आपको दिन में जब भी समय मिल जाता है, सुबह सुबह का पूजन कर रहे हैं आप तब भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। बहुत सरल विधि आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और मैं किस विधि से करती हूँ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। बहुत साधारण सरल विधि से मैं सब कुछ करती हूँ, कुछ भी उसमें कठिन हमें नहीं करना है। तो हाथ में फूल जल अक्षत लेकर, सिक्का सुपारी चाहे तो वो भी रख लीजिएगा, नहीं तो केवल जल पुष्प और अक्षत लेकर आप संकल्प ले सकते हैं। अपना नाम, अपनी मनोकामना, अपना नियम बोलते हुए संकल्प आप धारण करेंगे, ठीक है। आपने धारण करा, परंतु इस बीच ध्यान रखिएगा जो भी आप संकल्प धारण करते हैं, अगर हो सके भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप इसको करने जा रहे हैं। और विशेष मनोकामना नहीं भी है ना आपकी, तो श्रावण में यदि जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग बनाता है उसके जन्म जन्मांतर सुख में बीतते हैं। तो आपने नियम ले लिया, अब नियम लेने के पश्चात हमें सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो हमें चाहिए मिट्टी। अब मिट्टी हम कहाँ से लेकर आएंगे, मिट्टी कोई भी पवित्र नदी तालाब से आप लेकर आ सकते हो, वो नहीं मिल रहा है तो पीपल के वृक्ष से लेकर आ सकते हो, और वो भी नहीं है तो घर में बिलपत्र का वृक्ष होगा तो वहां से ले सकते हो, नहीं तो किसी भी गमले की मिट्टी जो साफ सुथरी हो, जहाँ किसी के कदम ना पड़ते हो। बस तुलसी के क्यारे की मिट्टी आपको नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध साफ मिट्टी हमें लेकर आनी है। मिट्टी को ले आए घर पर, सूखी है तो छान लीजिए अच्छे से, उसमें कंकड़ वगैरह ना रह जाए। इसके पश्चात मिट्टी हमें तैयार करनी होती है, तैयार करने से पहले अपने आप को स्वच्छ कर लें, पहले स्नान वगैरह करके नहा धोकर स्वच्छ होके। अब किस विधि से आपको मिट्टी तैयार करनी है, आपके पास पंचामृत हो तो बहुत अच्छी बात है, पंचामृत नहीं है तो घी अपने पास रख लीजिए, गंगा जल रख लीजिए, थोड़ा सा चंदन रख लीजिए, जल रख लीजिए, और कुछ भी नहीं है तो केवल गंगा जल डाल दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब मिट्टी को छान लिया आपने, स्वच्छ कर लिया, आपके पास गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी में भी आप गंगा जल मिलाकर उसे स्वच्छ कर सकते हैं, थोड़ा सा अष्टगन चंदन वगैरह जो यदि आप चाहें आपके पास है तो मिला लीजिएगा। मिट्टी हमें कैसी तैयार करनी है, जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए उसी टाइप में, बहुत ज्यादा ढीली मिट्टी हो जाएगी आपकी, गीली हो जाएगी तो भी शिवलिंग टूटेंगे, और बहुत ज्यादा सख्त मिट्टी हो जाएगी तो भी शिवलिंग में दरारें पड़ती है, और शिवलिंग का टूट जाना पूजन करते समय वो भी सही नहीं माना जाता, तो इस बात का प्लीज आप ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी आप ऐसी तैयार करें जैसे कि आटा आप तैयार करते हैं उसी प्रकार से, बहुत गीली नहीं करना, बहुत सूखी भी नहीं रखना, एकदम सॉफ्ट आपकी मिट्टी होनी चाहिए। इसके पश्चात शिवलिंग का निर्माण कर लें, पहले जलाधारी बना ले यदि आप बना सकते हैं, नहीं तो जलाधारी और जो पिंडी बनती है सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है पिंडी बनाए उसके बाद जलाधारी बनाए, परंतु कुछ भक्तों से नहीं बन पाती है, तो आप जलाधारी बनाकर भी पिंडी बना सकते हैं, शिवपिंडी, उसके ऊपर नाग देवता को विराजमान कर दें। ये चीजें हो गई, आपने शिवलिंग बना लिया, सारी आपने चीजें कर ली। अब बनाते से एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बनाते से ही उसके ऊपर चावल के कुछ दाने रख दीजिएगा, या चंदन का तिलक कर दें, या बेलपत्र रख दीजिएगा, और जब आप शिवलिंग निर्माण करेंगे ना उससे पहले भी आपको बेलपत्र की स्थापना करने के बाद ही शिवलिंग निर्माण करना है, क्योंकि बेलपत्र का जो बेलपत्र होता है वो ही शिवलिंग के भार को समा सकता है अपने अंदर। हम तो साधारण मनुष्य हैं, और कहा जाता है जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपने हाथों के द्वारा, तो हमारे हाथ में जो भी दुर्भाग्य रेखाएं होती है वह भी महादेव की कृपा से सौभाग्य में बदल जाती हैं।
और कलयुग में सर्वप्रथम कुष्माण ऋषि ने के जो पुत्र हैं मंडप, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था। और अगर सतयुग और बाकी युगों की बात देखी जाए तो श्री रामचंद्र जी ने भी शिवलिंग की स्थापना करी थी, पार्थिव शिवलिंग की, जब वो लंका पे युद्ध करने के लिए जा रहे थे। इससे पहले सूर्यदेव जितना बलवान होने के लिए चंद्रदेव ने भी महादेव की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन करी। और आप सभी जानते होंगे जब चंद्रदेव को कलाहीन होने का श्राप मिला था सती के पिता द्वारा, तब उन्होंने भी पूजन अर्चन करके महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर, जो कि सोमेश्वर में स्थापित है, उनका पूजन किया था। और मां गौरा ने खुद पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव को प्रसन्न करा, अथा युगों युगों तक पूजन पाठ किया। तो ये चीज युगों युगों से चलती आ रही है। आज कलयुग में कोई भी व्यक्ति इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से उसे लाभ नहीं मिलता। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको अवश्य रूप से करके पूजन करना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल 30-31 दिन का जो भी नियम है वो लीजिए नियम, और पूजन अर्चन प्रारंभ करें। अब बारी आ जाती है जब आपका शिवलिंग निर्माण हो जाता है, फिर आप उसका पूजन अर्चन करें। अपने मन की जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी विशेष द्रव्य होते हैं, किन द्रव्यों से करना चाहिए, वो आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी केवल पार्थिव शिवलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साधारण विधि से आपने पार्थिव शिवलिंग बना लिए, परंतु मिट्टी में घी मिलाना मत भूलिएगा। जब आप मिट्टी के अंदर घी थोड़ा सा मिला देंगे तो आपके शिवलिंग को आप रात भर भी जल में डाल देंगे, उसके बाद भी वो मिट्टी नहीं घुलेगी। क्योंकि मैं अच्छे से मिट्टी गूंथ के उसमें घी जरूर मिलाती हूँ, क्योंकि जो भी द्रव्य हम शिवलिंग पे चढ़ाएं वो आसानी से बहकर निकल जाए और हमारे शिवलिंग भी खंडित ना हो। मेरे शिवलिंग महादेव की कृपा से रात्रि भर जब मैं विसर्जन के लिए यदि पानी में डाल भी दूं ना, तब भी खंडित नहीं होते हैं। बस ये सब महादेव की कृपा है। अब आप पूजन अर्चन विधि विधान से कर लीजिए, जल चढ़ा दीजिए, गंगा जल, पंचामृत वगैरह जो भी द्रव्य आपके पास मौजूद हैं। विधि क्या होती है पूजन की, वो मैं आगे आप लोगों के साथ में और शेयर करूंगी, केवल अभी मैं नियम के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये आपने नियम ले लिया 30-31 दिन का, आपने शिवलिंग बनाया, उनका पूजन करा है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग का पूजन करेंगे उसका समय जो आप मुझसे पूछ रहे थे, आप सुबह सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय से लेकर 4 बजे तक, दोपहर के या शाम के 4 बजे तक आप इनका पूजन करें। सूर्यास्त होने से पहले पहले अपने शिवलिंग का विसर्जन आपको कर देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शिवलिंग को कभी भी घर में नहीं रखा जाता, पार्थिव शिवलिंग को, ठीक है। इस बात, ये बात हो गई। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग जो आप रोजाना निर्माण करते हैं ना, उसका आप किसी गमले में भी बेलपत्र के निर्माण कर सकते हैं, आप मंदिर में भी निर्माण करके पूजन कर सकते हैं, जहां चाहे, वो आपके ऊपर है। आप बेल वृक्ष नीचे बैठकर भी पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक कमेंट्स मेरे पास बार बार ये भी आ रहा था, क्या दीदी एक ही शिवलिंग की पूरा महीना पूजा करना है? तो ऐसा नहीं होता, सुबह शिवलिंग बनाए, शाम तक उसका विसर्जन कर देना चाहिए आपको। रोज पूजा करें, रोजाना नया शिवलिंग बनाना है, ठीक है। और जो घर में हमारे शिवलिंग की स्थापना हुई हुई है, क्या केवल पार्थिव पूजन करें या उनकी भी पूजा करें? तो देखिए, जो हमारे घर में सबसे पहले विराजमान है, पहले हमें उनका जलाभिषेक करना चाहिए। भले ही साधारण पूजन कर दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, गंगा जल चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, परंतु पहले जो घर में पूजन वाले आपके शिवलिंग है उनका पूजन करें, उसके पश्चात आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर आपको। अब विशेष मनोकामनाओं के लिए जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। विसर्जन की भी बात हो गई, पूरा महीना आपको शिवलिंग बनाना है। और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए। जब आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, इससे आपके शिवलिंग सिद्ध भी हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब कुछ चीज ये कि शिवलिंग जब आप बनाते हैं, पूजन करते हैं, तो जलाधारी का मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा में जलाधारी का मुंह हमेशा होता है, और साधक दक्षिण दिशा में बैठ जाए और मुंह आपका उत्तर दिशा में रहे, नहीं तो पूर्व दिशा में मुंह करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब और जो आपके कमेंट्स थे, क्योंकि तो कुछ बातें अभी भी रह गई हैं, कुछ कमेंट्स ये थे, दीदी हमने नियम तो ले लिया परंतु बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, या हमें किसी दिन कहीं बाहर जाना पड़ता है, हम पूजा नहीं कर पाते, तब हम क्या करें? तो देखिए, पीरियड्स में जैसे 6 दिन पूजा नहीं करी जाती, सिर धो के हम 7वें दिन पूजन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो 6 दिन आपके छूटे हैं ना, तो आप रेगुलर में एक शिवलिंग बनाते हैं तो 2-2 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर लें, या 11 शिवलिंग एक साथ बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो शिवलिंग आपके छूट गए हैं वो ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपका नियम 31 दिन का या 30 दिन का या जितने भी दिन का सावन आपको मिलता है उतने दिन का आपका नियम पूर्ण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, जितने दिन छूटे हैं उतने दिन या तो डबल शिवलिंग बनाकर पूजा कर लीजिए, या 7, 11, 5 की संख्या में बनाकर उनके पूजन कर लीजिए जो छूटता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैं बोलूंगी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, परंतु पीरियड्स में नियम छूट ही जाता है महिलाओं से। तो ऐसे में 6 दिन आपके छूटते हैं तो आप डबल डबल शिवलिंग बना लीजिए, 11 शिवलिंग का एक साथ बना लीजिए। परंतु इस श्रावण मास हो सके तो पूरा माह इस नियम को करने की कोशिश जरूर करिएगा। और जो भक्त पूरे माह का नियम नहीं ले रहे हैं, वो श्रावण सोमवार में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करिएगा। आपको इसके क्या परिणाम, क्या लाभ मिलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बहुत चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ जानकारी और वीडियो लाभप्रद रहा होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।